कर्नाटक विधानसभा परिषद में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भारी हंगामे के बीच एमएलसीज ने विधान परिषद के वाइस चेयरमैन को जबरदस्ती खींचकर कुर्सी से नीचे घसीट लिया। वीडियो में ये भी दिख रहा है कि कुछ पार्षद उन्हें कुर्सी की तरफ घसीट रहे हैं और बाकी उन्हें नीचे उतार रहे हैं। बीजेपी एमएलसी लहर सिंह सिरोया ने कहा कि कांग्रेस एमएलसीज ने गुंडों की तरह व्यवहार किया और वाइस चेयरमैन को कुर्सी से नीचे घसीट लिया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हमने काउंसिल के इतिहास में इससे शर्मनाक दिन नहीं देखा। चेयरमैन जो है अपना बहुमत खो चुके हैं, जेडीएस और हम साथ में आए हैं और उन पर अविश्वास प्रस्ताव है, उस पर चर्चा करने के बजाय जिस तरह से कुछ एमएलए एमएलसी कुछ ऐसे जो आजकल गुंडे बन जाते हैं, ऐसे ही कुछ गुंडे सदन में आ गए हैं किसी न किसी बहाने। उन गुंडा तत्वों ने उपाध्यक्ष को चेयरपर से फिजिकली उठा के हटाया, दुर्व्यवहार किया, बहुत निंदनीय है और 100 वर्ष के हमारे काउंसिल के इतिहास में ऐसा शर्मनाक दिन नहीं देखा गया। मुझे भी आज शर्म आ रही है, जो 6 करोड़ की जनता हमारे को देख रही है आज हमारे बारे में क्या सोच रही है। और मेरा अब ये आगे है, राज्यपाल से आग्रह है, इसका संज्ञान लें और उचित निर्णय करें।